का स्वागत है आपके अपने चैनल अभी अपडेट पे। आज के हम सभी के साथ इम्पोर्टेंट वीडियो में, और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे माय डियर फ्रेंड आप सभी के साथ AIBE ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो आप सभी का कल कंडक्ट हो चुका है, तो उसके कंप्लीट सॉल्यूशन को। जी फ्रेंड, आप सभी कैंडिडेट्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल अभी अपडेट पे। चैनल पे आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ साथ आप सभी के लिए मैं आप सभी कैंडिडेट्स को बता दूँ, जो भी कैंडिडेट कल का एग्जामिनेशन आपने दिया होगा और आप सभी ने जो ड्रीम किया एक्सपेक्टेशन होगा आपके मार्क्स को लेकर, आई होप सो आप सभी को वो आपको अचीव होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2023 का जो एग्जामिनेशन कल कंडक्ट हो चुका है उसके सॉल्यूशन को डिस्कस कर रहे हैं। माय फ्रेंड, कल मैंने एक वीडियो बना दिया था जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे और फिर फर्दर के क्वेश्चंस को आज हम लोग पार्ट नंबर 2 में डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट किए आपके क्वेश्चंस को लेकर। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए फ्रेंड आप सभी का सेट ए हो, सेट बी या सेट सी, आप सभी का आंसर्स आपको हो सकता है सफल होंगे क्वेश्चंस, तो आप अपने आंसर्स को यहां से भी मैच कर सकते हो। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आप सभी के पास है, क्वेश्चन पेपर फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दिख रहा होगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मोटिवेटेड फ्रॉम एक्सपीरियंस ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। फिर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मूव ऑन करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आप सभी का, विच ऑफ द फॉलोइंग रीट इज इशूड टू इन्फोर्स द परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक ड्यूटीज बाय द अथॉरिटी। तो फ्रेंड सेकंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका माय डियर फ्रेंड आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ मैंडमस इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज हेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हैज मेड द प्रोविजन फॉर पब्लिशिंग हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स अ 58th अमेंडमेंट। ये कौन सा अमेंडमेंट था माय डियर फ्रेंड आप सभी को मालूम होगा, दिस अमेंडमेंट इज अ 58th अमेंडमेंट। ओके, मूव ऑन करते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आप सभी के सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लैंडमार्क जजमेंट ऑन द कॉलरेबल लेजिलेशन। तो फिर क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कमेश्वर सिंह का जो केस था, ये इंपॉर्टेंट था। तो इवेंट इसका जो राइट आज जजमेंट दिया गया था लैंडमार्क जजमेंट कोलैबोरेटिव लेजिलेशन के हिसाब से, तो स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस कमलेश्वर सिंह इज अ राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फोर्थ। मूव ऑन करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आप सभी का यहाँ पे है। फिर जल्दी से आपको आंसर बता देता हूँ, फिर आप आंसर्स को मैच कर लीजिए। जो भी आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। हालांकि कुछ दिन बाद आपको ऑफिशियल जो आंसर की है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का वो अपलोड कर दिया जाएगा साइट पर, तो आप वहाँ से भी आंसर्स को आप मैच कर सकते हो। तब तक के लिए फ्रेंड आप सभी को जो मैं आंसर्स बता रहा हूं आप उसको भी आप मैच कर सकते हो फ्रेंड, और वीडियो को आने आपको पास प्रोवाइड की जाएगी। तो जो फ्रेंड आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी आपके डाउट होंगे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ दीजिएगा। चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ। फ्रेंड मैं सीधे सीधे आंसर आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मींस आर्टिकल 254 इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर सिक्स। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ आप सभी का, आप देख सकते हो व्हाट आर द ट्रांजिशन पीरियड फॉर द प्रोवाइड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर चेंजिंग ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आप सभी का लैंग्वेज को लेकर जो क्वेश्चन था कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस किए गए हैं ट्रांजिशन पीरियड में, तो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सेवेंथ का वो हो जाएगा आपका 15 ईयर्स। क्या होगा फ्रेंड 15 ईयर्स इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हियर इज ऑल्सो अ राइट। क्वेश्चन नंबर एट आप सभी का यहाँ पे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वॉज एन हेल्ड दैट देयर कुड बी अ नो रिजर्वेशन ऑन अ सिंगल पोस्ट इन द कैडर। तो किस पे नो रिजर्वेशन है आपका किसी भी कैडर में, तो फिर इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर एट का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड, आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर नाइन्थ।
ओके माय डियर फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की तरफ। क्वेश्चन 10th का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, डॉक्ट्रिन ऑफ हेमोनियस कंस्ट्रक्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 11th इज हियर। क्वेश्चन 11th का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट मीन्स एनी पर्सन कमिटिंग ऑफेंस टारगेटिंग कंप्यूटर रिसोर्स लोकेटेड इन एनी कंट्री। ओके, ऑप्शन नंबर सी ओनली इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर आपका 11th। इंडियन पैनल कोड के तहत ये फिर ये डिस्कस किया, नॉट कोई अप्लाई नहीं कर सकता किसी भी सिचुएशन में, तो फिर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12th है, हाउ मेनी टाइप ऑफ पनिशमेंट आर करेंटली एग्जिस्टिंग इन द इंडियन पैनल कोड 1860। इंडियन पैनल कोड के तहत कितने इस समय प्रेजेंट टाइम में पनिशमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो 12th का जो राइट आंसर होगा, फिर ऑप्शन देख सकते हो आपको थ्री टाइप्स के, फोर टाइप, फाइव एंड सिक्स ऑप्शन हेयर इज ऑल और अ फ्यू। सो फ्रेंड इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12th। मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13th की तरफ। 13th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वेन वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, नो ऑफेंसेस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14th इज हियर, फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, इन द केस ऑफ असॉल्ट इन रिफ्लेक्टिंग द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सिंपल हर्ट इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 14th। क्वेश्चन नंबर 15th इज हियर। क्वेश्चन 15th का जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स सेक्शन 89 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16th इज हियर, फ्रेंड क्वेश्चन 16th का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट मीन्स अ क्रिमिनल फोर्स इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 16th। क्वेश्चन नंबर 17th आ चुका है आपका फ्रेंड, आप देख सकते हो क्वेश्चन 17th का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इम्प्रिजनमेंट फॉर द लाइफ एंड फाइन के साथ, लाइफ के साथ और फाइन के साथ आपको देना होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका इज द राइट आंसर 17th का। 18th क्वेश्चन की मूव ऑन करें फ्रेंड, 18th का राइट आंसर फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 ईयर और विथ फाइन और विथ बोथ। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18th। 19th की बात करें माय डियर फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 19th। सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर द टर्म ऑफ नॉट एक्सीडिंग 10 ईयर्स, ऑप्शन नंबर 19th, क्वेश्चन 19th का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 20th की तरफ मूव करें फ्रेंड, क्वेश्चन 20th का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका माय डियर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन्स सेक्शन 43 इज द राइट आंसर। 21st क्वेश्चन की बात करें, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाइफ इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। तो फिर क्वेश्चन नंबर 21st का जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वॉलेंट्रीली वाइफ रिफ्यूजेस टू लाइव विद हस्बैंड, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22nd की बात करें, फिर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द विक्टिम ऑफ रेप, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23rd की बात करें, क्वेश्चन 23rd का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैन बी यूज्ड पुलिस ऑफिसर्स टू रिफ्रेश मेमोरी। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 23rd। क्वेश्चन नंबर 24th की बात करें हमारे फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आप मैच कर लीजिए। कोई भी क्वेश्चन को किसी भी कैंडिडेट का डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे फ्रेंड, बहुत ही जल्द आप सभी के लिए जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराया गया है इसका ऑफिशियल आंसर की उनके साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहाँ से भी आप मैच कर सकते हो। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ तक चांसेस हैं कि आपके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर कर दिए जाएँ। ओके फ्रेंड, मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25th की तरफ आ चुके हैं, क्वेश्चन 25th का जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 25th। क्वेश्चन 26th आपका है यहाँ पे देख सकते हो, क्वेश्चन 26th का जो राइट आंसर होगा फिर वो होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका जस्ट अ मिनट आपका फिर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जी फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सेक्शन 395 इसका राइट आंसर है 26th का।
क्वेश्चन 27th इज हियर। 27th का जो राइट आंसर फ्रेंड वो आपका आपका तीनों ही सही। आपका फ्रेंड नॉट ग्रांटेड किया था बेल, किसी भी कंडीशन में बेल नहीं ऑफेंस होगी आईपीसी के तहत। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। ओके मूव ऑन करते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 28th क्वेश्चन की तरफ आपका देख सकते हो। क्वेश्चन 28th आपका है यहाँ पे, 28th का जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 28th। अटैचेस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 83 ऑफ द सीआरपीसी। ओके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूव ऑन करते हैं माय डियर फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 29th की तरफ। 29th क्वेश्चन आप देख सकते हो यहाँ पे है आपका, इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड आपका बोथ ए एंड बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29th का जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। 29th का राइट आंसर फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30th की तरफ मूव ऑन करें। क्वेश्चन 30th आपका है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसीडर एज द सूट ऑफ द सिविल नेचर फॉर द सेक्शन 9 ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो फिर 30th क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट मीन्स अ सूट फॉर अ रिकवरी ऑफ द वॉलेंट्री पेमेंट और ऑफरिंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 30th। मूव ऑन करें 31st क्वेश्चन की तरह माय डियर फ्रेंड, आपका 31st क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 मेक द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा एप्लीकेबल इन अ रिस्पेक्टिव सूट। तो 31st क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, सेक्शन 11 एक्सप्लेनेशन 8। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 32nd क्वेश्चन की बात करें, 32 क्वेश्चन की आपके फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द 32 क्वेश्चन। ओके माय डियर फ्रेंड मूव ऑन करें 33rd क्वेश्चन की तरफ। 33rd क्वेश्चन आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस द प्लेंटिफ इज प्रीक्लूडेड फॉर द बार्गेनिंग द फ्रेश सूट एज पर एज द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर 1908। तो 33rd क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द 33rd क्वेश्चन। मूव ऑन करें 34th क्वेश्चन की तरफ आपका, यहाँ पे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैक्सिमम मे एज अ एडजॉर्मेंट बी ग्रांटेड टू अ पार्टी ड्यूरिंग अ हियरिंग सूट एज पर एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो 34th क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो माय डियर फ्रेंड वो जाएगा आपका थ्री टाइम्स। कितने टाइम दिया सकते हैं? थ्री टाइम्स। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 34th। सॉरी फ्रेंड, फोर टाइम्स। क्या हो जाएगा फ्रेंड आपका इसका? फोर टाइम्स हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 34th। मूव ऑन करते हैं माय फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का है आपका, देख सकते हो 35th क्वेश्चन की तरफ आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट मेड द प्रोविजन इन द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 टू प्रोड्यूस द विटनेस विदाउट अ सिमिनस। तो फिर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 35th क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 35th। मूव ऑन करते हैं माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप सभी का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36th क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें। 36th क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे देख सकते हो आपका, 36th क्वेश्चन कहता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वर्ड कोस्ट एज पर प्रोवाइडेड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। 36th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 36th। 37th क्वेश्चन की बात करें माय डियर फ्रेंड आप सभी का, व्हाट प्रोसीजर इज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 डिफेंडेड टू एंटर द अपीयरेंस फीलिंग एड्रेस फॉर अ सर्विसेज ऑफ नोटिस ऑन हिम इन केस ऑफ सूट एज अ वेयर अ समरी प्रोसीजर टू बी अप्लाइड। तो 37th का जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 37। मूव ऑन करें फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 37th की बात करें आप सभी आपका है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कोड ऑफ द सिविल प्रोसीजर 1908 द अपील कोर्ट मे बी अ रिमिट एंड इशू फॉर अ ट्रायल टू अ लोअर कोर्ट। 38th क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑर्डर XLY रूल 25। ओके माय डियर फ्रेंड
आपका देख सकते हैं आपका यहाँ पे 61 ऑर्डर 61 रूल 25 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 38th क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हमारे फ्रेंड आप सभी का सॉरी फ्रेंड आपका इसका जो राइट आंसर 38th क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी ऑर्डर 41 रूल 25। 39th क्वेश्चन की बात करें हमारे फ्रेंड आप सभी का ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाई बीटिंग हिम विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी considered as a relevant fact forming part of the same transaction as per as Indian Evidence Act 1872। तो 39th क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मूव ऑन करें माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 40th क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड आप इसका कमेंट करके जरूर बताइए फ्रेंड 40th क्वेश्चन को मैं इसका आंसर आप उनको कमेंट सेक्शन में बताइए फ्रेंड इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में आपको करेक्टली बता दूंगा। देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करें कौन सा सेक्शन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आप देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन फॉर द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 डेइंग अ डिक्लेरेशन मे बी एडमिटेड एज ए एविडेंस। तो 41st क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड इसको भी आपको मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ओके माय डियर फ्रेंड मूव ऑन करते हैं 42nd क्वेश्चन की तरफ आपका यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पर्टेनिंग टू अ प्रूफ ऑफ अ कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट। तो फ्रेंड 42nd क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द 42nd क्वेश्चन। ओके फ्रेंड कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड आइदर बी अ प्राइमरली और अ बाई सेकेंडरी एविडेंस। ओके माय डियर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 42। ओके माय डियर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूव ऑन करें फ्रेंड 43rd क्वेश्चन की तरफ आप सभी का यहाँ पे देख सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट एज पर एज द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो 43rd क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर लीडिंग ऑफ क्वेश्चंस मे बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन। ओके मूव ऑन करें फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन 44th क्वेश्चन की तरफ इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डिड अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियन क्लेरिफाई फॉर एडिसमेबिलिटी ऑफ अ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एज एन एविडेंस। 44th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 44th। 45th क्वेश्चन की बात करें आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन द लाइट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो 45th क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी दैट मींस एडमिशंस आर कंक्लूसिव एज टू बी अ मैटर एडमिटेड। ओके तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 45th। ओके मूव ऑन करें फ्रेंड 46th क्वेश्चन की तरफ आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज एन एक्सेप्शन टू द हार्शरी रूल। तो फिर इसका जो राइट आंसर आपको हो जाएगा 46th क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 32 ऑफ सब सेक्शन 1। ओके ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 46th। ओके आई होप सो फ्रेंड आप सभी को आंसर समझ में आ रहे होंगे। माय डियर फ्रेंड जो भी क्वेश्चन बच गए हैं मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को। आई होप सो आप सभी ने जो पेपर दिया होगा आप सभी को पेपर बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिव्यू आ रहा पेपर से थोड़ा सा टफ था बट अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू पेपर का लेवल मॉडरेट लेवल था। आप सभी अच्छे मार्क्स सिक्योर करोगे। कोई भी अगर आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा। फिर मिलेंगे माय डियर फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में जहां कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो भी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा साथ साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा। कोई भी वीडियो आएगी सबसे पहले आप नोटिफिकेशन के थ्रू बेल आइकन क्लिक करने के बाद आपको मिल जाएगी। ओके माय डियर फ्रेंड चलिए फिर मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।